तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या बना है। एक चीज़ बताता हूँ, इस ईद पे मतलब मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हेलो एवरीवन, मैं हूँ अकबर, वेलकम टू माय चैनल। सो सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता ही है, आज ईद है, तो आज ईद सेलिब्रेट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं नहा के आ गया हूँ अभी, और अभी कुछ सामान लेके आना है, और उसके बाद 7 बजे की नमाज़ है, तो नमाज़ पढ़ के आनी है, फिर मनाते हैं ईद। सो गाइस, तैयार तो हो गए, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो। तो ऐसे कलर का कुर्ता पजामा बनवाया, तो तैयार हो गए हैं, और अब जाते हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने का टाइम हो रहा है, वहाँ से आके मनाते हैं ईद। दोस्त भी आ जाएंगे अभी थोड़ी बहुत देर पे घर पे, तो नमाज़ पढ़ के आते हैं, और बताना मेरा कुर्ता पजामा कैसा लग रहा है। सो गाइस, नमाज़ तो पढ़ के आ गए हैं यार, जैसे कि मैंने आपको बताया था नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो नमाज़ पढ़ ली है। और सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो कुछ किस तरीके का आउटफिट है मेरा आज का, देख ही होंगे आप। तो और बाकी मेरे भाई ने भी कुछ सिमिलर से कुर्ता सिलवाया, और वो भी मस्त लग रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी यार मैं मिल लेते हैं अभी घर में सबसे, ईद मिल लेते हैं, और फिर चलते हैं, आओ पापा के पास चलते हैं पहले ईद मिलने। ये मेरे पापा हैं, जैसे कि आपको पता है, तो पापा की तरफ से ईद दुआ है, बहुत बहुत दुआ है। और अब मैं अपने भाई से मिलाता हूँ आपको। मेरा भाई है, ईद मुबारक। तो अभी मम्मी तैयार नहीं है, मम्मी खाना वगैरह की तैयारी कर रही है, तो अभी तैयार नहीं। तो जैसे ही मम्मी खाना वाना बना लेगी, फिर मम्मी से भी मिलाते हैं आपको। तो तब तक के लिए बने रहें, थैंक यू। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया होगा यार मैं कैसे लग रहा हूँ, और मेरे भाई को भी देख लिया होगा, मेरे भाई ने भी कुछ ऐसे सिमिलर, बस उसका पैटर्न अलग है, बाकी उसका कलर भी अलग है, बाकी कपड़ा वगैरह एक ही है, और आपको दिख ही गया होगा कि वो भी अच्छा लग रहा है। सो चलते हैं अभी और देखते हैं कि घर पर क्या हो रहा है। सो गाइस, मम्मी भी तैयार हो गई है यार, देखो मम्मी है किचन में, मम्मी थोड़ा काम वम कर रही है, और अभी थोड़ा काम वम कर रही है, अभी मिलते हैं मम्मी से भी, क्योंकि काफ़ी काम है, क्योंकि लोग भी आने वाले हैं घर पे, भैया अभी आए, भैया वगैरह आए ना नीचे से, तो कुछ खाने वाने का देते हैं, फिर करते हैं बात थोड़ी देर में मम्मी से। तो मैं आपको दिखा दूँ अभी क्या क्या बनाए, तो देखिए क्या बनाए। यहाँ पे कुछ पकौड़ियाँ हैं, इसके अंदर हैं दही फुलके, जो कि मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती है, ये कुछ फैनी और दूध, ठीक है, और बाकी खीर भी बनाई है, बाकी खीर भी बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस ईद पे मतलब मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मतलब जो नीडी लोग हैं या जिनको खाने की ज़रूरत है, तो इस ईद पे उनके लिए, उनकी ईद अच्छी बनाने के लिए, तो मैंने घर पे कुछ बनवाया है, और उनको मैं अभी देने जा रहा हूँ। तो मतलब ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मतलब शो ऑफ वगैरह या समथिंग कुछ, बट हाँ ये है कि कुछ सीख लो आप वीडियो से ना, कभी कभी सीख लेना चाहिए। तो और जैसे जैसे कुछ कोई भी त्यौहार हो, उस पर कुछ ना कुछ देना चाहिए, ये मतलब अच्छी बात है, देना चाहिए। तो अभी तो मैंने ईद का करा है, बाकी और जो त्यौहार आएंगे, कोई भी त्यौहार, उसमें हम देखेंगे। बाकी अभी पैकिंग वैकिंग करवाते हैं और फिर लेके चलते हैं उनके लिए। तो देखते रहें आपकी, मैं बच्चों को मतलब बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी हों, सबको जो हमको मिलेगा। तो चलते हैं अभी, पैक करवाते हैं और फिर निकलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है ना कि जैसे मतलब
ऐसा नहीं कि मैंने पापा से पैसे लिए हैं, मम्मी से पैसे लिए, ये मेरी सैलरी के पैसे हैं जो मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, उसमें से पैसे हैं, तो उसी का मैंने किया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, मम्मी ने वो परोसना चालू कर दिया है, तो अभी उसकी पैकिंग वैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं बच्चों के लिए। अभी दोस्त वोस्त भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उससे पहले कर लेते हैं ये काम, फिर दोस्त आएंगे तो निकलते हैं। लोरी सुनाना आज मेरे मेरे पास दिल को सुकून तू दे दे जाना, आज मेरे मेरे पास दिल को सुकून तू दे दे जाना। दिल की धड़कन सी तो आज। सो भाई, अभी आया हूँ मैं नीचे भाई को लेने, रही भाई को। सब खैरियत से? मुबारक दे। और बताओ? हाँ बताओ। और बस बढ़िया सब बढ़िया। तो ये है भाई अपने, रही भाई, जो अपने काम में अपना साथ देने वाले हैं। नहीं, इन कामों के लिए हम बहुत आगे होते हैं। तो भाई को पहले ऊपर ले चलते हैं और भाई को कुछ खिलाते हैं और फिर चलते हैं। ओके, तो चलो भाई, रही भाई, चल चलो। सो भाई, सारे काम ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं, सारे चार हैं हम, मैं, चांद चांद भी आ गया है, और यह है भाई अपना। ये भाई को तुम पहली बार देख रहे होंगे, तो ये भी आ गया है और रवि भाई भी आ गए हैं, तो अभी चलते हैं। तो भाई, बाइक है हमारे पास दो, तो लेके चलते हैं। एक में स्वेब और चांद है और एक में मैं और रवि भाई। तो निकलते हैं यार थोड़ी बहुत देर में, आओ चल लें, सामान ले लेते हैं। तो भाई, निकल पड़े हैं यार सामान लेके, तो अभी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मेरे साथ रवि भाई हैं, मैं और रवि भाई एक ही बाइक पर हैं, और चांद और स्वेब एक ही बाइक पर हैं, तो चलते हैं। खुशी की चीज़ करते हैं तो थोड़ी खुशी हमें भी हो जाती है, और रवि भाई ने मेरे साथ पूरा साथ दिया, क्योंकि ये जो प्लान था, ये जो चीज़ थी, ये सबसे पहले मैंने रवि भाई के साथ शेयर की थी, तो रवि भाई ने मेरा बड़ा साथ दिया इसमें, तो थैंक यू रवि भाई। और अभी निकलते हैं यहाँ से, संगम विहार में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग मिलेंगे, उनको देंगे। और मतलब ये मत समझना बार बार कि शो ऑफ की चीज़ है, क्योंकि शो ऑफ की चीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ आप वीडियो से सीखो, या कुछ वीडियो में ऐसा हो कि आपको लगे कि हाँ यार, कि ये करना चाहिए, और ये करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो चलते हैं, निकलते हैं और देते हैं। तो भाई, जैसे कि आपने देखा यार, मतलब जो करने गए थे वो कराए, फिर मन को बहुत शांति मिली, मतलब अच्छा लगा करके। और अभी सब फ्री हो गए हैं इस काम से, अभी दोस्त आए घर पे, उनसे मिलते हैं, और ईद अब मनेगी तगड़ी, तो आप देखो ईद कैसे बनती है। व्हाट्सअप 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 ब्रो, ईद मुबारक। कैसा है? ईद मुबारक भयंकर। तू बड़ा हेलो हरामी बंदा है यार, लगा नहीं कहाँ गया बना ले, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। अभी मैंने तुमको बोला था ऊपर चले जाओ भाई, ऐसे दो सेकंड रुक, हम क्या क्या चले जाएंगे, सेकंड दिखा पहले अपनी, ये बंद बंद फ्लैट हो जाएंगे। अरे आ चल रहे ऊपर, आओ रे भाई, क्यों तुम्हें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं यार, भाई कहां से है, गर्मी है बहुत ज्यादा, 10 मिनट ओनली 10 मिनट। हां ओके, हां मैं सोचता कुर्ता पहन के आऊं, टी शर्ट पहन के 10 मिनट में 10 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है ठीक है, कुछ लेके आना तो बताओ। नहीं कुछ नहीं, पेप्सी लेके आऊंगा मैं। ठीक है हाँ, चल क्या हाल है, चलो इंट्रोड्यूस कराऊंगा तुम्हें ऊपर, चल ले। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा ही यार, नीचे दोस्त आए थे, तो रवि भाई गए अभी अपने घर गए थे, तो रवि भाई तो आ गए, और ये योगेश, ये योगेश को आप पहली बार देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग में, बट हम बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये एक और है मेरा दोस्त, और एक पूछा और है अमन, इसका नाम है अमन। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा दोस्त वगैरह आए थे, तो अब ये जा रहे हैं, और उसके बाद गए हम चांद के घर, और चांद के घर पे हमने खाना वगैरह खाया,
और काफ़ी दोस्त आए थे यहाँ पे, ये सचिन है, ये शुएब, ये रविंदर है, ये रविंदर, ये कलश, आरती, योगेश, अमन, नेहा, मतलब सब लोग ही थे। इसके बाद आए मेरे घर पे और मेरे घर पे था डिनर, तो गौरव और सुमित और रवि भाई भी आ गए थे डिनर करने, तो सब ने बैठ के डिनर किया। कुछ दोस्त नहीं आए थे बट हाँ जितने भी आए थे मज़ा आया, ईद मनाई। तो गाइस आज है अगला दिन और सब जा चुके थे रात को और मैं काफ़ी थक गया था, तो इसके बाद एंडिंग वगैरह नहीं की और ब्लॉग भी बहुत छोटा है क्योंकि दोस्त वगैरह आते हैं तो आपको पता है ब्लॉग वगैरह इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, और अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया इसलिए भी। बाकी आगे देखते रहिए, आगे और भी ब्लॉग आएंगे और भी जब दोस्तों वगैरह के साथ घूमने जाएंगे तो और भी ब्लॉग आते रहेंगे। और बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा, होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजा करो यार ब्लॉग, शेयर किया करो जिससे कि और भी लोगों को देखें और उनको भी मेरा ब्लॉग पसंद आए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।